सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के प्रकृति की गोद में बसा हुआ गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। और अगर मौसम की बात की जाए तो दिन भर अच्छी सी तेज धूप खिली हुई रहे, लेकिन अभी जो शाम का मौसम है हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई, जिस वजह से कि मुखवा के आमने सामने के नज़ारे बड़े गजब के दिख रहे हैं। तो चलिए जी, जहाँ से मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ वो हमारे मुखवा की रोड जहाँ तक एंडिंग हो रही है, उसके आगे कोई रोड नहीं है, वहीं से कर रही हूँ। और PWD द्वारा जहाँ तक ये रोड कटी हुई है बहुत अच्छी सी इसमें पेंटिंग हो रखी है। और ये देखिए आप, यहीं तक ये रोड है, इसके आगे रोड नहीं है। और यही रोड आगे कटेगी जांगला मोटर मार्ग के लिए, जिसका कि हम मुखवावासी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो गंगा मैया की कृपा होगी तो जल्दी से ये रोड जांगला मोटर मार्ग के लिए भी जाएगी, और इसका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शीतकाल में जो धराली वाली रोड है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ़बारी होती है, जिस वजह से कि वहाँ पर काफ़ी फिसलन होती है और गाड़ी नहीं चल पाती है। और ये जो मुखवा वाला एरिया है, ये सनसाइड वाला एरिया है, तो इसमें बर्फ़ जल्दी से पिघल जाती है। तो सैन्य की दृष्टि से भी और टूरिस्ट की दृष्टि से भी ये रोड जल्दी से स्वीकृत होनी चाहिए और जल्दी से ये रोड बननी चाहिए, ताकि गंगा माँ का जो झलसा जाता है, उस सब डोली जाती है, वो इसी वाले रास्ते से जाएगी। तो ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ गंगा मैया से कि जल्दी जल्दी इस रोड पे काम हो। और ये देखे, ये है यहाँ पे चूली का पेड़, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में चूली लगी हुई है, बिल्कुल लाल लाल कलर की। तो चूली खाने में बड़ी टेस्टी होती है, और चूली जब पेड़ में ज़्यादा पक जाती है और जो चूली गिर जाती है, तो हमारे मुखवा के लोग उन चूलियों को सब उठा लेते हैं और उनको अच्छे से साफ धुलने के बाद जो उसमें अंदर ढेला होता है, तो ढेलों को बिल्कुल फोड़ते हैं और उसके अंदर से बीज निकलता है, जिसका कि तेल निकलता है। और वो तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है गर्मियों के लिए, जब किसी को सर दर्द होता है तो चूली का तेल लगाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और सर दर्द एकदम ठीक हो जाता है। और साथ में ही हम यहाँ पे खाते हैं उस तेल को रोटी के साथ, जो कि बहुत ही गजब का और टेस्टी होता है। ये देखिए जी, ये है चूली और इसके अंदर से ऐसा निकलता है जो कि बिल्कुल ढेला होता है। ये देखिए आप, ये वाला, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और फिर इसके अंदर से निकलता है छोटा सा बीज, जिसको कि हम लोग निकालते हैं और उसका तेल बनाते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि चूली को धुला जाता है, तो ये देखिए जी, दीदी जी चूली को धुल रही है, जितने भी चूली का बाहर का कवर है वो साफ़ हो जाएगा, फिर बचेगा अंदर का ढेला ढेला। तो ऐसे पानी से इसको साफ धुला जाता है, जितना भी छिलका है सब पानी के साथ बह जाएगा। तो चलिए जी, अभी घूमते घूमते मैं आ गई अपने भाई बंधुओं के घर पे, और यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं कद्दू, जो कि है 56 कद्दू, यानी इस बेल पे 56 कद्दू लगते हैं, नाम है 56 कद्दू। अब पता नहीं लगने को लगते हैं या नहीं लगते हैं, लगते हैं भाई 56 कद्दू, तो 56 कद्दू नाम से ये कद्दू फेमस हैं। और उसमें मैंने अभी देखे तो लगे हुए भी हैं छोटे छोटे कद्दू, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कद्दू की बेल ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बस छोटी रहती हैं, और इसमें जो कद्दू लगते हैं वो बिल्कुल लंबे लंबे लगते हैं। ये देखिए, काफ़ी फूल लगे हुए हैं। और ये कद्दू देखिए आप, ये देखिए आप, एक यहाँ पे है और साथ में ही एक इसके नीचे एक और लगा हुआ है। और ये देखिए आप, फूल तो काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं और साथ में एक इसके नीचे और लगा हुआ है, ये देखिए आप। तो चलिए जी, घूमते घूमते अभी मैं आ गई माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण में, और गंगा मैया की सायंकालीन आरती भी होने वाली है। हेलो
हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं दूसरे दिन से। दिन की 11:30 बज चुकी है और अभी हमारी तैयारी हो गई पुराली गांव जाने की, क्योंकि वहां पे भागवत कथा चल रही है और जितने भी हमारी मुखवा की महिलाएं हैं हम लोग जा रहे हैं आज भागवत कथा में। और वैसे तो पुराली वालों ने गाड़ी लगा रखी है, लेकिन गाड़ी आ रही है धराली तक और हम लोग यहाँ से जाएंगे अपनी मुखवा वालों की गाड़ी से। और सभी लोग यहाँ पर अभी इकट्ठे हो रहे हैं। तो चलिए जी, अभी हम लोग आ गए अपनी मुखवा की पार्किंग में और यहाँ पे से हमारी गाड़ी भी आने वाली है और गाड़ी है हमारी मुखवा वालों की, तो सभी लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए जी, अभी हम लोग निकल गए मुखवा से पुराली के लिए। भोला रंगीला भोला कनो डमरू बजौंदा भोला। तो चलिए जी, अभी हम लोग पहुंच गए पुराली गांव में और यहीं पे तक गाड़ी आती है, तो ये पार्किंग है और यहीं से जाना पड़ता है पैदल गांव तक। तो चलिए जी, मंदिर में आके यहाँ पे मैंने दर्शन भी कर लिए और साथ में है यहाँ पे शिवालय और यहाँ पे चल रही थी महापुराण कथा, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। और यहाँ पे जो चार डोली आई हुई है वो अलग अलग ग्राम सभा से आई हुई है। तो चलिए जी, अभी हमने मंदिर में भी दर्शन कर लिए और कथा शुरू होने में अभी टाइम है, तब तक यहाँ पे फलार बना हुआ है तो फलार खा लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी ध्यान भी जो कि भटवाड़ी में रहते हैं तो ये भी आ रखे हैं पुराली गांव में कथा सुनने के लिए। तो फलार खा लिया आप लोगों ने? और फलार में बना हुआ है, ये है आलू के गुटके, साथ में है चटनी और ये है खीर। तो चलिए जी, अभी श्री शिव महापुराण कथा भी संपन्न हो गई और आरती भी हो चुकी है, तो यहाँ पे से प्रसाद वगैरह ले लेते हैं और फिर निकलते अपने गांव मुखवा के लिए। तो मेरा भी परम सौभाग्य रहा आज की पुराली गांव में आके मुझे श्री शिव महापुराण कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और ये देखो कथा में ना आज शिव पुराण में, चलो चलो बहुत अच्छा। तो चलिए जी, अभी हम लोग पहुंच गए पार्किंग में और हमारी गाड़ी आती ही होगी, थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। और बारिश भी काफी तेज होने लग गई जिस वजह से कि काफी ठंडा हो गया, बिल्कुल मैंने भी शॉल ओढ़ लिया। और शिव भगवान की कृपा आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों में बनी रहे ऐसी प्रार्थना मैं भोले बाबा से करती हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय शिव शंकर, बाय बाय।